तो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं सर, कुछ ब्रांड है सर का, देख रहे हैं ना। देख रहे हैं आप लोग, जो सर जो खड़े हैं दोनों, इनका अलग ही जलवा है, तो दोनों रिक्वेस्ट कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि फ़ोटो खिंचवाए कि ना खिंचवाए, सर ने अप्रूवल दिया तो खिंचवाया फ़ोटो इन लोग ने, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और सबका कारोबार चलेगा, देख रहे हैं ना, तो खींचेगा कौन, खींचने वाला कोई वहाँ कैमरा है, कैमरा मैन एक, ये कैमरा मैन इसका एक यूट्यूब चैनल है वो लाइव की, और ये सब बहुत ही अच्छा चैनल है, पता नहीं सब मतलब कुछ ब्रांड है भाई, इन लोग ये जो यहाँ पे जो ओवर व्यूअर के काम जो कर रहे हैं, सर के बिना अप्रूवल के एक और आ गए सर, लग रहा है अब तीनों का खिंचाएगा, ठीक है, वो चाइनीज थे सब, ठीक है ना, तो सर से हम बात करेंगे, अब आ रहे हैं, ठीक है, मतलब हमको लगता है कि 4 दिन लोगों से कुछ लेना चाहिए, वाह वाह वाह, चलिए ठीक है, चल अब हो गया, मुझे बात ही नहीं हो रहा है क्योंकि बबलू कोई साथ में और पार्टनर ही नहीं है, तो इसीलिए से बाहर निकल रहा हूँ, ये रहा गेट लाल किला, और वहाँ से एक कम्यूटरी देखा, देख रहे हैं बाहर में निकल रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई, गाड़ी पार्किंग बहुत थक गया हूँ, ठीक है, तो ये रहा लाल किला, अंदर बहुत है, कम से कम सुबह में आना चाहिए देखने के लिए, ठीक है, जा रहे हैं कुछ लोग, तो मैं जा रहा हूँ अभी इंडिया गेट पे जाना है, दिल्ली गेट, थैंक यू, कैसा रहा, स्कूल के बच्चे हैं जा रहे हैं, देख रहे ना, ये अभी शाम के दिनों का स्कूल का जो छुट्टी हो गया हुआ, तो ये जा रहे हैं, दो बच्चे पीछे छूटे हुए, तो अभी भी यहाँ पे बॉयज ग्रुप है वहाँ, गर्ल वाला था, ये सभी बच्चे जा रहे हैं, बहुत बच्चे पूरा टोटल, देख रहे हैं आप, थैंक यू, बच्चे जा रहे हैं, थैंक यू, अभी टोटल बच्चे इतने बच्चे हो गए, और सॉरी बॉयज आगे थे गर्ल पीछे थे, ये देख रहे हैं, तो शाम के वक्त में ही आना चाहिए, अभी ये सभी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं, बहुत ही बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं, पूरा पीछे बच्चे और इधर, थैंक यू, चलते हैं, पीछे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ तक अंदर के, कैसा रहा, और जा रही है इन लोग का मैम है या मिस ये, और शाम गांव में बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन फोटो आता है, समझ रहे हैं ना, देख लीजिए, और बच्चे हैं, मतलब अंदर मैं अकेला हूँ इसलिए मैं कुछ बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो, ठीक है, तो अभी भी मतलब पूरा मतलब लग रहा है ये बच्चे आज फॉरेनर्स भी ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, वाह, इधर भी बच्चे हैं अभी लाइन में, काफ़ी बच्चे हैं भाई, लग रहा है पूरा दिल्ली के बच्चे यही ब्याह में क्या, ठीक है, अभी बच्चे आ ही रहे हैं, क्या किया जाए, चलते हैं, बंद करते हैं, थैंक यू, वहाँ पे दो रावण बने हुए थे, पीछे जाओ, ये रहा प्यारा सा लाल किला, लाल तो दिख नहीं रहा, पता नहीं इसका, रुकना
हाँ बबलू ऊपर मेट्रो जा रही है, मेट्रो जा ये रहा अक्षराधाम मंदिर। तो हम चलते हैं आज अक्षराधाम मंदिर में, मोस्ट फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स डेलीगेट्स आए हैं, तो एक मैं चल रहा हूँ। तथा अन्य सामान ले जाना आपको सामान रथ में जमा कराए। अक्षरधाम परिसर में आप अपने साथ केवल पानी की पारदर्शक हो सके का मतलब। हम अभी अक्षराधाम मंदिर आए हैं जहाँ पे फॉरेनर्स डेलीगेट्स आते हैं। कुछ ही मतलब महीने पहले ऋषि सुनक आए थे, तो चलते हैं हम भी, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ ऋषि सुनक। तो चलिए हम चलते हैं अंदर, देखते हैं वहाँ पे शायद अंदर जाने का मोबाइल आर नॉट अलाउड, सो वी विल डिपॉजिट एनी कॉर्नर। थैंक यू। अरे बोल रहा है सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो अपना सामान है उसका मतलब जो उसका डिटेल भरना है, जो फॉलो रूम है यहाँ पे, मतलब यहाँ आने पर अक्षरधाम मूर्ति में बहुत सारा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ा। कैमरा नहीं ले जाना है, मोबाइल नहीं लेना, बस यही तक हो गया। तो सभी कोई भर रहे हैं, देखा आप लोगों ने, ठीक है। बबलू भरी है, भर रहा हूँ, भरो बबलू, ठीक है। और वो रहा अपना अक्षरधाम मंदिर उधर साइड में, पीछे मंदिर है वो जिसमें हम लोग एंट्री करेंगे। तो बहुत ही बड़ा नोएडा सेक्टर में हम लोग ही अक्षरधाम मंदिर है। क्लॉक रूम जिसको हम लोग पैसा जमा कर, जमा सामान जमा होता है जहाँ पे, कोई भी लॉगेज वगेज जो भी अपना सामान हो यहाँ पे जमा करो, तो ये जमा करेगा, हम लोग जमा कर देंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब ग्रेटर नोएडा है, नोएडा है ना ये वाला, तो यहीं से ऊपर से मेट्रो जाती है जो ऊपर वाला, तो यही तो है। और अक्षरधाम हमारे पीछे, यहाँ पे अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बबलू एंट्री किया और इन्फॉर्मेशन देखा कि अभी अच्छा खासा ये कुछ खाएंगे अभी। अब मोमो जो भी ऑर्डर करना होगा पहले हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही मतलब फेमस है ये, समझ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कैसा ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना, तो ऑर्डर कर लेते हैं साइड में, अगर परमिशन शायद नहीं है इसमें भी कैमरा चला लेते हैं, समझ रहे हैं ना कैसा रहा। थैंक यू। कैमरा का परमिशन ये तो यही वो हॉस्टल है जो आप लोग फ्रंट में जो दिखाए थे ना, बहुत ही अच्छा होटल है ये। तो बबलू टिकट ले रहा है, ठीक है, हम लोग लाइन में दिख रहे हैं ना, और सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ पे। तो हम लोग अब जा रहे हैं लाल किला, कहाँ जा रहे हैं? टिकट ले लिया, चलो घूमते हैं, पकड़ो तो। मैं टिकट नहीं लिया हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना मैं कैसा आदमी हूँ। ये रहा मेरे पास मेट्रो कार्ड, समझ रहा कार्ड मैंने दिलाया है, ठीक है, बबलू ही दिलवाया है, मगर मेट्रो कार्ड मेरे पास है ना।
दोस्तों कैसे रहा? अभी मैं दिन में आया हूँ, 4 बज रहा है लगभग। धूप तो है बहुत, मगर आज पूरा खाली है, ये देख रहे हैं आपको, और पूरा खाली है। रात को आई थी तो मेला था, धूप आ रहा है, देख रहे हैं पीछे मंदिर है, और देख सकते हैं आप लोग पूरा उधर बैरियर लगा हुआ है पुलिस का। तो टिकट अब अंदर लेकर मैं चलूँगा, समझ रहे हैं। मैं अभी आज अकेला हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो वो लोग थके हुए थे, रात को मेला देख रहे थे, तो मैं रात को सोया था, मेला नहीं देख रहा था, समझ रहे ना। तो देख चलिए, तो आज अंदर चलते हैं। काफ़ी मैं करीब आ गया हूँ, इधर से रास्ता है, वहाँ से देखने के लिए साइड में मैं अंदर चलूँगा, देख रहे ना। मेट्रो में भी काफ़ी कल दिक्कत हुई, आज दिक्कत हुई, मैं अकेला है पूरा, मतलब समझ रहे ना। मतलब जस्ट मतलब उस पर ऐप पर लिखा रहता है कैसे फॉलो करना है, कौन से पिक लाइन, ग्रे लाइन, कौन सा लाइन पे कौन से किधर फॉलो करना, मतलब उसको विच वन डायरेक्शन के पेन यू हैव टू फॉलो दैट नॉर्मल। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीयों के लिए 80 रुपया फी है और फॉरेनर के लिए 950, मतलब मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, समझ रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं ना। और 15 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए फ़ी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा मोदी जी ने किया। और उधर वहाँ पे हाँ क्लॉकिंग रूम है, वहाँ पे मतलब लॉगेज वगैरह रखना है जो रख सकते हैं। तो ये टिकट काउंटर है, समझ रहे हैं ना, जहाँ पे 50 रुपये इंडियन लगता है तो फॉरेनर को 950 रुपया, जहाँ 80 रुपये लगता है उनको 650 रुपये लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा है फॉरेनर के लिए। तो यही होना चाहिए, देखो जो जा रहे हैं उधर साइड में, टाइम मिलेगा दिन से बात करेंगे, अंदर ही करेंगे क्या। और साथ ही मौजूद है ये जो पीछे वाला बिल्डिंग आप दिख रहे हैं, यही म्यूजियम है, इसमें बिना टिकट के भी एंट्री कर सकते हैं, बस गार्ड बोलेंगे कि टिकट कहाँ है, तो पॉकेट में आपको बस पॉकेट में ऐसे ही मतलब कुछ हाथ लगाना है और बोलना है कि टिकट नहीं मिल रहे, तो बोलेंगे कैसा टिकट था, बोलना कि 80 वाला टिकट था, बड़ा वाला पर्सन, थैंक यू, दिस इज़ द सीक्रेट। तो यहाँ ये गेट है, यहाँ से एंट्री होती है सबका। मैं अच्छा से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत हरासमेंट हो गया, समझ रहे हैं, अकेला हूँ, कुछ इंटरटेनमेंट भी नहीं मिल रहा हमको, इसलिए नींद भी लग रहा है, रात को बहुत जगा हूँ, ठीक है, देख रहे हैं रात को मैं जगा हुआ हूँ, इसलिए आँख भी मेरा रेड दिख रहा होगा आप लोग को। तो फॉरेनर्स आए थे मगर मैं उनसे कम्युनिकेट किया हूँ, सिंगल मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा। और यहाँ से टिकट आप लोग ऑनलाइन करिएगा तो 50 रुपये में जाएगा, 30 रुपये आप लोग का टिकट बचेगा, तो मैं ऑनलाइन प्रोसेस। इधर एग्जिस्टिंग गोइंग आउट, बहुत देर के बाद एगो फिरंगी लोकल भाई बैठी चोद कहाँ रहल हो, बहुत देर के बाद दू गो एहने नेपाली जा तारीसन एकर पहुँचे तो प्रशासन रुको जा रहा है, रुको और दू गो है यहाँ प्रशासन और यहाँ दू गो नेपाली, हाँ नेपाली ठिंगनी दोनों ठिंगनी भाई। ये दिल्ली आप लोग देख रहे हैं, इंडिया गेट के पास मैं नज़दीक में हूँ, बहुत गाड़ी है, कम से कम पार कैसे किया जाए सोच रहा हूँ, अकेला हूँ मैं और एक कोई व्यक्ति यहाँ पर जाओ, इधर भी गाड़ी रुकी हुई है, समझ रहे हैं ना, बहुत भीड़ है वहाँ पीछे तक, और मतलब बहुत भीड़ है, कुछ बच्चे वहाँ हैं। तो ये दिल्ली है, थोड़ा अलर्ट रहना है, मेरी न्यू दिल्ली है, तो चलिए चलते हैं। अब इधर वाला रोड रुक गया, चलिए अब ये रुक गया, डायरेक्शन के हिसाब से फॉलो द रूल्स ऑफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। That one is our beloved, respected India Gate that is dedicated to our martyred freedom fighters. तो चलिए अंदर थोड़ा चलते हैं, हमें पास में वहाँ पे, ठीक है, मतलब शाम के वक्त थोड़ा धूप नहीं है, तो मैं अब चलूँगा वहाँ पे इंडिया गेट के पास में एकदम नज़दीक में। थैंक यू। ये जो भैया हैं और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में इन लोगों को गाइड कर रहे हैं ताजमहल ये रेड वाला इंडिया गेट के बारे में, सॉरी हमको तो मालूम नहीं चला, और इनसे बात करेंगे, मोबाइल तो बंद रखने तब बात करेंगे कि हमको अच्छा से अच्छा कैसे क्वालिटी मिलेगी, ये समझा रहे हैं इन लोगों को, ठीक है।
और ये एक और जा रहा है वेस्टर्न ब्रिज, ठीक है ना, बताएंगे आप लोग, उनसे बात करूँगा मैं, अगर हेल्प कर देंगे तो और बेटर होगा। तो मैं उस इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर ही रहा हूँ, ठीक है, मतलब गाइडर आते रहते हैं, उनको समझाना पड़ता है, तो इनको भी देख दिखा दिखा देते हैं, ठीक है, इनके ये दोनों फॉरेनर्स, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फिरंगी सब है, ये सब रात को लिपस्टिक लगा रही है, पगली सब रात को लिपस्टिक कौन देखता है, ये पगली लिपस्टिक लगा रही थी, अभी भी देखो हाथ में लिए है बाहर, ईश्वर जैसे कोई क्या बात करेगा। और ये जो है ये कैमरा में ये पीछे बोल रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है। और इधर ये पगली दोनों जो है ये चाइनीजिया, ये रात को क्या करे लिपस्टिक लगा रहे थे और खींच रहा है फोटोग्राफर उसका, कहाँ गए इधर पगली, हाँ ये मोटी वाली को खींच रहा है, समझ रहे हैं ना, देखो दोनों एकदम मजा ले रहे हैं। और एक आया वेस्टइंडीज भी आता है सब, ठीक है। ये हमको भिटाया था, ये मेट्रो में भिटाया था, ये वाला जो खड़ा है, जो अभी जो खड़ा है, 500 रुपये ऐड कराया अपने वॉलेट में, मैं जो काट रहे थे उसमें देख रहा है ना। और ये कैमरा में ये अब कमा लेगा 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये कमाएगा इनके रंगियों से, वो वेस्टइंडीज वाला है, वो सब खुश है। तो ज़्यादा मत देखो तुम लोग का, इधर भी फोकस करने लगेगी, देखो वाओ मज़ा देख रहा है ना, ये देखो सबको बहुत मज़ा, 500-1000 रुपये लोग चार्ज करते हैं एक पिक का, देखो। अब चलो ज़्यादा मत देखो, तुम सब रहेंगे जो ये पगला पगली दोनों है पीछे खड़ा है, समझ रहे हैं ना, ये दोनों अमेरिकन है और गाइडर ये दोनों है, उन्हें दो गाइडर बाद में दो गाइड चाहिए ना, समझ लीजिए बहुत ही मतलब, समझ रहे हैं ना। और ये जो गाइडर आ रहे हैं सब ये गवर्नमेंट वाला गाइडर है, समझ रहे हैं ना, मतलब ये लोग होटल से बुक करके ही आते हैं। तो एक बार पगली इधर देख लेगी कैमरा को, उसके बाद से आपको दिखाएंगे, देखिए वो अमेरिकन है पगली, देखा ना, एक वो करा भाव देखिए पीछे बना रही है, कैसे पिक खिंचवा रही है, वो चाइनीजिया है। और ये एक आगे इंग्लैंड के, मतलब यहाँ फॉरेनर बहुत बार, अगर जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले रहते हैं देखे तो कुछ, हम अकेले इसलिए कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। ये फाउंटेन है पीछे भी देख रहे हैं, ट्राई कलर में भी फाउंटेन को कैसे सजाया गया है, ये चिकन का पार्ट है अलग अलग, और वहाँ पे मछली भी रखा हुआ है। और सर बहुत ही डिजिटल है, देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, और वहाँ पे क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। यहाँ पे दुकान है जो बहुत ही मतलब मॉडर्न है, देख रहे हैं ना, ऐसा दुकान रहेगा जो चलना है सब जगह चलता है, दिल्ली का बात समझ रहे हैं ना, दिल्ली इंडिया में देखते। तो आज मैं एक लेग पीस खाऊंगा और मछली भी वहाँ पे रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, चलिए खाते हैं। देखो ये लेग पीस है, तो यहाँ पर मतलब जिनको प्रोटीन की जरूरत हो वहाँ पर ले सकते हैं, सब रूम पार्टनर नहीं बनाता हो तो भी, तो रूम पार्टनर मेरा चिकन खाता नहीं है, तो मैं यहाँ पर खा रहा हूँ, ठीक है, मछली भी बहुत सारे यहाँ खाते, मतलब अच्छा दुकान है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ।